नमस्कार। 17 अक्टूबर से पूरे देश में शुरू किए गए मिशन शक्ति के अंतर्गत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को प्रदेश के सभी थानों पर महिला डेस्क हेल्प की शुरुआत की। मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश के सभी मंडलों के एक एक साथ एक एक थाने पर हेल्प डेस्क का शुभारंभ किया। इसी क्रम में वाराणसी मंडल के चौक थाने पर सीएम ने महिला हेल्प डेस्क का ऑनलाइन उद्घाटन किया। इस संबंध में SSP अमित पाठक ने बताया कि मुख्यमंत्री द्वारा शुरू किए गए मिशन शक्ति अभियान के तहत जो भी महिला संबंधित अपराध हों उन पर पहले से ही नियंत्रण लेना और प्रभावी कार्रवाई की जाएगी ताकि महिलाओं के साथ कोई अपराध होने ही ना पाए। जो अपराधी इसमें शामिल होंगे उनके खिलाफ कड़ी दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। SP ने बताया कि इसके साथ ही अभियान के तहत स्कूल कॉलेज मार्केट सहित गांव मोहल्ले बस्तियों में महिलाओं द्वारा शासन द्वारा जारी हेल्पलाइन नंबर को पहुंचाना है जिससे महिलाओं को इन का लाभ मिल सके। मुख्यमंत्री द्वारा ये आदेशित किया गया कि हेल्पलाइन नंबरों से मिली शिकायतों का ना सिर्फ तत्परता से समाधान हो बल्कि उनकी पूरी गोपनीयता रखी जाए। SSP अमित पाठक ने बताया कि थानों पर एकदम अलग पूरी तरह से डेडिकेटेड महिला हेल्प डेस्क की स्थापना की गई है। इन हेल्प डेस्क पर ट्रेंड आरक्षियों की तैनाती होगी जो न सिर्फ महिलाओं के शिकायतों को सुनेंगे उनका समाधान भी करेंगे। ऑडियो विजुअल के माध्यम से लगातार लोगों को जागरूक किया जा रहा है। सिनेमा, FM, पुलिस की गाड़ियों और अन्य माध्यम से ऑडियो और वीडियो मैसेज की श्रृंखला तैयार की जा रही है। उन्होंने बताया कि एंटी रोमियो की टीम द्वारा कड़ी कार्रवाई का नया प्रारूप जारी किया है जिसके तहत सौदों और मंचलों पर कार्रवाई करने की तैयारी कर ली गई है। हर मोहल्लों में 2 टीम न्यूनतम निकलेगी जो मोहल्ले बस्तियों स्कूल कॉलेज मॉल्स में जाएगी। महिला हेल्प नंबर और महिला शक्ति से जुड़े मैसेज हैं उनका प्रसार प्रचार कर रही है। इस मौके पर पर्यटन मंत्री डॉक्टर नीलकंठ तिवारी, भाजपा नगर महानगर अध्यक्ष विद्या सागर राय, ADG ब्रिजभूषण, कमिश्नर दीपक अग्रवाल, जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा, IG विजय सिंह मीणा सहित तमाम अधिकारी मौजूद रहे। आप देख रहे हैं वाराणसी से धर्मेंद्र पांडे की रिपोर्ट।